कर बोलू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 4, आपको नाम याद होगा, चैप्टर नंबर 4 का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और इसको किसने लिखा है? एन फ्रैंक ने ही लिखा है। तो इसका पार्ट 1 हम समझ चुके थे, जहां पर एन फ्रैंक बताती है कि वो सारे लोगों के होते हुए भी अपने आप को कैसा महसूस करती है, अकेला महसूस करती है, और उसको कोई ऐसा समबडी स्पेशल चाहिए होता जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके, अपने मन की बात शेयर कर सके। इसलिए उसने सबसे अच्छा एक जो डायरी उसको गिफ्ट में मिलती है उसको वो अपना एज ए दोस्त चुनती है और उसमें वो अपने विचार लिखने जाती है। तो आज हम देखेंगे कि वो उस डायरी को कैसे उसमें अपने विचार लिखती है, क्योंकि इसकी ये जो बुक थी ये वर्ल्ड फेमस बुक थी, इसको बहुत से लोगों ने पढ़ा था। तो वो स्टार्ट करती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब यहाँ वो अपनी जो डायरी का नाम है वो क्या रखती है? किटी। किटी, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एन फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, तो उसने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी। तो वो लिखती है डियरेस्ट किटी, यानी प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। मतलब क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है कि अंदाजा लगाना, चहलकदमी, अपने क्लास में बैठ करके अपन पैर हिलाते ना, तो इस प्रकार से क्लास में जोर शोर से चहल पहल टाइप की मची हुई थी। द रीजन, कारण क्या था? बिल्कुल सही, कारण ये था कि जो एक मीटिंग होना थी, पहले से मीटिंग इकट्ठी की गई थी, फोर्थ कमिंग पहले एक मीटिंग थी जिसमें टीचर ये बताने वाले थे हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म यानी क्लास से, कि अब अगली क्लास में कौन जाएगा और कौन है जो पुरानी क्लास में वापस बैठेगा। मतलब उस आप अंदाजा लगा सकते हैं, सीधी सी बात, उस दिन रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे था, तो वहां पर बच्चों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी से ज्यादा क्लास शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैकस। अब उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जीएन, किटी की फ्रेंड का नाम जीएन। जीएन और किटी खुद, जीएन और एन खुद मिलकर के हंस रही थी जो उसके पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, और पीछे दो लड़के कौन बैठे थे? सीएन एंड जैकस। तो वहां पर दो लड़के उसके पीछे बैठे थे, उसके पीछे वाली डेस्क पर, उनका नाम था सीएन और जैकस। Who have stacked their entire holiday saving on their bed. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. अब यहाँ पर वो लोग कहते कि उन्होंने पूरी छुट्टियों में हर चीज में पूरा समय इसमें चीज में लगा दिया, बैट लगाने पर, शर्त लगाने पर कि तुम अगली क्लास में जाओगे। बोलता नहीं नहीं शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम पास हो जाओगे? नहीं नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके वो आपस में बातें कर रहे थे सिली टाइप की। तो इसमें जो एन है और उसकी जो फ्रेंड है जीएन, वो हंस रहे थे। इवन जीएन्स प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। क्या बोलती है? सभी लोग इस बात में अंदाजा लगा रहे थे, लोग चाहते भी थे कि हम पास हो जाएं, लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछें, एन बोलती है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी क्लास में बहुत सारे डमी लोग भी हैं, जिसमें से क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है, 25% क्लास जो है वो वापस हो जाना चाहिए, मतलब उन बच्चों को आगे पास होके अगली क्लास में जाना ही नहीं चाहिए। पर लेकिन बोलती जो टीचर्स जो होते हैं ना, वो पृथ्वी पर एक ऐसा, जिनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ऐसा क्रीचर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो टीचर से पूरा से हंसती कि टीचर्स के मन की बात कोई जान नहीं सकता। बट टीचर्स आर द मोस्ट, सॉरी, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। लेकिन एन बोलती है कि रिजल्ट में पास होना है या फेल, इसके बारे में मैं और मेरी जो दोस्त थी हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अब यहाँ बोलती है कि बस मुझे एक ही सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स,
उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, नहीं तो मैं सब चीज में पास हो जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और हम दोनों आपस में एक दूसरे को लूज हार्ट, मतलब अपन में एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि नहीं, अपन दोनों ही अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो ये डे कौन सा था? एन फ्रेंड के रिजल्ट डिक्लेरेशन वाले डे की घटना उसने डायरी में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखें बच्चों, आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। अब वो कहते हैं कि मैं अपने सारे टीचर, जितने मेरे शिक्षक थे उन सबके बीच में मैं बहुत प्यारी थी सबको, और यहाँ पर मेरे ग्रुप, स्कूल के ग्रुप में 9 टीचर्स का ग्रुप था, जिसमें 7 टीचर्स जो थे वो जेंट्स थे और 2 टीचर जो कहती थी वो लेडीज थी, यानी वुमेन थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स, अब एक मैथ्स टीचर का नाम लेती हूँ, उसका नाम है मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी बोला मतलब पुराने रूढ़िगत रिवाजों पर चलने वाले। तो मिस्टर कीजिंग जो पुरानी परंपरागत वाले टीचर थे वो क्या पढ़ाते थे हमको? मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो मुझसे हमेशा गुस्सा रहते थे, एनॉयड यानी गुस्सा करते रहते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी क्लास में। अधिकतर जो बच्चे बहुत बात करते हैं उनको टीचर्स हमेशा टोकते रहते हैं, तो ऐसे ही एन भी थी, वो बहुत बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ऐसा नहीं कि उनने मुझे टोका नहीं, उनने बहुत सारी मुझे वार्निंग्स दी थी, बहुत सारी वार्निंग के बाद जब वो थक गए तो उनने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, मतलब जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसके साथ में एक प्लस में एक होमवर्क और दिया। अब देखते, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था होमवर्क था। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट कि एन अब तुम एक निबंध लिखोगी, किस पे? सब्जेक्ट क्या था निबंध का? अ चैटर बॉक्स, यानी बातूनी लड़की, एक बातूनी लड़की पर तुमको क्या लिखना है? एक निबंध लिख के लाना है। क्यों दिया मिस्टर कीजिंग ने? क्योंकि एन क्या करती थी? क्लास में बहुत बात करती थी, पूरे समय वो बतियाती रहती थी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वरी अबाउट द लेटर, दैट लेटर आई डिसाइडेड, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. एक बातूनी लड़की, भला ये कैसा शीर्षक है किसी भी चीज को लिखने का, अब इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला ठीक है, मैं इसको बाद में देखूंगी। jotted down मतलब लिख लेना, मैंने तुरंत नोटबुक खोल करके वो टाइटल लिख लिया और अपने बैग में रख लिया और मैं चुपचाप शांत हो गई। मतलब जैसे टीचर ने उसको लिखा कि तुम बातूनी लड़की पर एक निबंध लिखो, तो उसने तुरंत नोटबुक में नोट किया और उसको रख करके बैग में चुपचाप बैठ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई। अब उस शाम को जब मैं घर लौटी तो मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया, मुझे स्कूल में जितना वर्क मिला था सारा होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया, और वो मेरी नजर उस बुक में पड़ी जिस पर वो टॉपिक लिखा हुआ था ऐसे का, उस निबंध लिखने का जो टॉपिक लिखा था उस पर मेरी नजर गई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैंने उस सब्जेक्ट पर सोचना चालू किया, और क्या करती रही? बच्चे क्या करते हैं, पेन को चबाते हैं ना, उसकी पेन की जो टिप रहती है उसको चबाते रहते। तो कह रही थी कि मैं फाउंटेन पेन की टिप को चबाते चबाते मैंने उस सब्जेक्ट को सोचना चालू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब क्या बोलती, कोई भी बच्चा होता जिसको निबंध लिखने को कहा जाए और उसको समझ में ना आए कि क्या लिखना है, तो क्या करता है वो थोड़े थोड़े वर्ड को लिखने के बाद अच्छे बड़े बड़े स्पेस छोड़ करके जैसे तैसे पेज भर देता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रूव करना है कि टॉकिंग की नेसेसिटी, मतलब बात करना क्यों जरूरी है, इसलिए मुझे इस चीज को प्रूव करना बहुत जरूरी हो चुका था। आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। अब यहाँ देखो एन क्या है, एन एक इंटेलिजेंट लड़की है जो बिना सोचे कुछ नहीं कर रही। उसने क्या बोला? आई थॉट एंड थॉट मतलब रेगुलरली उसने इस पर कई बार विचार किया। सडनली अचानक से इसको एक एक आइडिया आया। आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर कीजिंग एंड सॉरी आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड।
और मैंने 3 पेज पर निबंध लिखा जो कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिया था। मैं संतुष्ट थी उस निबंध को लिखने के बाद, ये सेटिस्फाई हो गई, एंड सेटिस्फाई हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी लक्षण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेट्स? तो लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक। तो वो ये बोलती है, उसने क्या लिखा उस ऐसे में, आप भी जानना चाहेंगे क्या कर उसने ऐसा क्या लिखा। तो उसने लिखा कि टॉकिंग यानी बात करना बच्चों का, विद्यार्थियों का एक लक्षण होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को कंट्रोल में रखने की, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो मेरी माँ है, मेरी माधी जो है वो बहुत ज्यादा बातें करती है, मुझसे ज्यादा बातें करती है। लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए कि ये मैं, इस पर मेरा कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को ये एक आनुवांशिक लक्षण के रूप में प्राप्त हुआ है। अब ट्रेड्स है तो कैसा ट्रेड्स है? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिक। तो चूंकि उसकी माँ भी बात करती है इसलिए मैं भी अपनी माँ की तरह ही बात करती हूँ और इसको जो है रोका नहीं जा सकता। ऐसा किसने लिखा? एन ने लिखा मिस्टर कीजिंग के आंसर में। Mr. Keezing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब जब उसने ये लिख के दे दिया मिस्टर कीजिंग को कि मेरे को तो बात करना बहुत जरूरी चीज है और मेरी माँ बहुत बात करती है इसलिए मैं भी बात करती हूँ और मैं रोक नहीं सकती, तो मिस्टर कीजिंग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कुछ दिन क्या किया, फिर उसके बाद मैंने अगली बार से फिर से बात करना चालू कर दिया। तो मिस्टर कीजिंग ने फिर से मुझे एक नया ऐसे दे दिया। मतलब मिस्टर कीजिंग चाह रहे थे कि शायद ये बच्ची इस पर निबंध लिख करके कुछ समझे और बात करना कम कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मिस्टर कीजिंग ने दोबारा एक ऐसे फिर से दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको फिर से एक नया लेसन मिल गया, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, नेक्स्ट लेसन मिल गया, फिर से उसी चैटर बॉक्स पे लिखने को मिला। I handed it in, मैंने हाथ में लिया, and Mr. Keezing had nothing to complain about for 2 whole lesson. मैंने इसका फिर argument वाला answer दे दिया, और Mr. Keezing के पास अब कोई complaint नहीं रह गई कि मुझे कुछ कह पाते। However, during the third lesson, I had finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack. मिस्टर्स चैटरबॉक्स। जब मैं फिर नहीं सुधरी इसके बाद उन्होंने फिर से मुझे थर्ड लेसन के बाद में एक फिर असाइनमेंट दे दिया और क्या लिखा कि एन फ्रेंड तुमको पनिशमेंट के तौर पर एक नया लेसन नया निबंध लिखने मिल रहा जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटरबॉक्स, यानी वो मिस बातूनी लड़की क्वैक क्वैक क्वैक। ऐसा करके उनको एक नया ऐसे दे दिया फिर से। किसने दिया? मिस्टर कीजिंग ने दिया। नहीं नहीं था ना थर्ड पैरा का भी एक सीन। द क्लास रोअर्ड, आई हैड टू लॉफ टू दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माय इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इट वाज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माय फ्रेंड साने, हु इज गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्ड्स एंड आई जंप्ड फॉर जॉय। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I make sure the joke was on him. अब क्या हुआ? जब उसको ये lesson मिला, quack quack quack, mistress chatterbox, तो पूरी class क्या होने लगी? हंसने लगी, और मैं भी हंसने लगी। और इसके बाद मुझे, अब मैं तंग हो चुकी थी बार बार उसी topic, chatterbox वाले topic पर लिख लिख करके। अब वो समय था जब मुझे कुछ नई चीज करना था, मुझे कुछ दूसरी चीजें करना थी, कुछ original चीज करना थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था साने, वो कविता बहुत अच्छी लिखती थी, उसने मुझे हेल्प की कि तुम भी इस ऐसे को शुरू से लेकर एंड तक वर्स में लिखो, यानी पोएट्रिक फॉर्म में लिखो। जैसे उसने मुझे ये बोला कि तुम इस ऐसे को शुरू से लेकर एंड तक पोएट्रिक फॉर्म में लिखो, आई जंप फॉर जॉय, मैं खुशी के मारे उछल पड़ी।
मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर क्या कर रहे थे, जोक बनाना चाह रहे थे, एक ऐसे रिडिकुलस, एक रिडिकुलस टाइप के सब्जेक्ट पे, डिसएपिटेटाइज सब्जेक्ट पे। पर लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं जोक उनका बनाऊंगी, अब मैं जो जोक बनेगा वो उनके ऊपर मिलेगा। आई फिनिश्ड माय पोम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोम लिखी और वो बहुत सुंदर कविता थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद थ्री बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और जो कविता लिखी उसमें क्या लिखा, उसने लिखा था एक मदर डक के बारे में और एक फादर हंस के बारे में, और उसके क्या थे, तीन बेबी डकलिंग थे, यानी मदर फादर और तीन बेबी डकलिंग के बारे में थे। वहां पर क्या होता है कि उसका जो फादर रहता है उन डकलिंग्स को काट काट के उनको डेथ तक, यानी उनको मृत्यु तक पहुंचा देता है। और कारण क्या रहता है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक किया करते थे। अब यहाँ ध्यान से समझना कि एक वो पिता अपने तीन डकलिंग्स को इसलिए मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात किया करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और भाग्यवश ऐसा हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने ये जो जोक जो मैंने ये जो मैंने पोएट्री लिखी थी, इस चीज को उन्होंने सही ढंग से लिखा, मतलब उस पीड़ा का वर्णन किया कि लोग बात करते हैं और लोग उनको तंग करते हैं। ही रीड द इंजेनिटी एंड ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। उन्होंने उसकी जो सरलता है, जो स्वाभाविकता है और जो उसमें नयापन है उसको खोजा। फर्स्ट पोम टू द क्लास, और इस पोम को पूरी क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट, उसमें उन्होंने अपने विचार भी रखे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एलवेज, और कई क्लासों में उन्होंने मेरी पोम को पढ़ा, उसके बारे में बताया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद से मुझे कभी भी मना नहीं किया गया बात करने पर, और मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। On the contrary, Mr. Keezing's always making jokes these days. Yours, Annie. और इसके विपरीत क्या हुआ, Mr. Keezing को समझ में आ गया कि बात करना कितना जरूरी है, इसलिए वो भी अब आजकल मजाकिया लैंग्वेज में, मजाकिया भाषा में आजकल नजर आते हैं। तुम्हारी एनी। मतलब यहाँ पर एनी ने उस घटना का वर्णन किया कि जब उसको बातूनी होने पर असाइनमेंट दिए गए, उस पर जोक बनाया गया, लेकिन उसने उल्टे ही मिस्टर कीजिंग जो कि पुराने रूढ़िवादी विचारधारा परंपरा के थे, उनको अपनी कविता के माध्यम से बहुत सुधार दिया और वो मिस्टर कीजिंग भी कैसे हो गए, फ्रेंडली बिहेव करने लगे। थैंक यू बच्चों, ये थी आपका चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करें।